मतलब सब लोग, ये सब लोग मौजूद थे वहां पर? यस सर, ये सब मिलकर सभी को परेशान कर रहे थे। ईशान ने दिलाया सभी को इंसाफ, स्टूडेंट्स को मिली सजा। घूमे किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे ईशान सभी की हालत को देखकर ये समझ जाता है कि सच में सभी के साथ रैगिंग हुई है। ईशान सभी स्टूडेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाता है और उनके कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर जैसे ही सभी बोलती है कि उसके साथ रैगिंग हुआ है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की जा रही थी, बाकी स्टूडेंट सभी की बात से इनकार कर देते हैं और उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये झूठ बोल रही है, इसके साथ कोई रैगिंग नहीं हुआ था। स्टूडेंट्स लगातार सभी की बातों को झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन ईशान सभी को सपोर्ट करता है। ईशान को फिलहाल कोई सबूत की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सभी की हालत को देख चुका है। साथ ही सभी बताती है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट भी किया गया है। वेल, अब ऐसे में इतने बड़े आरोप के लिए ईशान को कोई ठोस सबूत चाहिए। ईशान स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम के मार्क्स से 10-10 मार्क्स कम कर लेता है और साथ ही बोलता है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात दूर तक जाएगी। ईशान इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद असली कल्प्रिट को सजा देगा। यहाँ पर सभी ईशान की बातों से सहमत नहीं होती है। सभी को ईशान के इंटेंशन पर डाउट होता है और इसे ऐसा लगता है कि ईशान पनिशमेंट नहीं देना चाहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ईशान के घर वालों की वजह से सभी का एक्सीडेंट हो जाता है और ईशान की काकू सभी को अपने घर लेकर आ जाती है। सभी को कोई आइडिया नहीं होता है कि वो किसके घर में, वो यहाँ कैसे आई, लेकिन जैसे ही वो उठती है उसके सामने ईशान खड़ा होता है। अब ईशान सभी को देखकर परेशान है कि अचानक सभी यहाँ क्या कर रही है। अभी देखते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सभी को अपने घर में देखने के बाद क्या होगा ईशान का रिएक्शन। वह जितना भी रिएक्शन अब तक दिखाया गया, ईशान शॉक्ड है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद सभी अपने इंसाफ के लिए ईशान के घर तक पहुंच गई है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।